खांसना, गहरी सांस लेना और घंटी बजाना भाषा क्यों नहीं है? उच्चारण अवयवों का प्रयोग नहीं है, सार्थक ध्वनि नहीं है, विचार विनिमय नहीं है और उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा, नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साहित्य समाधान पर मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, कई वर्षों से ऐसी चाह थी कि एक ऐसा YouTube चैनल, एक ऐसा मंच बनाया जाए YouTube पर, जिसमें कि साहित्य को उसकी जटिलताओं, उसकी कठिनाइयों से बाहर निकालकर सरल, बोधगम्य और सहज रूप में विद्यार्थियों तक पहुँचाया जाए। कई बार मैंने देखा ऐसा होता है कि बच्चों की रुचि होती है साहित्य में, लेकिन उसकी जटिलता से घबराकर वो उसके मर्म को समझ नहीं पाते, पकड़ नहीं पाते। तो ऐसी स्थिति में मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा प्रयास करूं जिससे कि ये साहित्य सरलता और सहजता के साथ विद्यार्थियों तक पहुंचे, उनके मर्म को छू सके और जिससे कि विद्यार्थी उसका पूरा आनंद ले सकें। तो ऐसी ही एक कोशिश का आगाज़ मैं आज करने जा रही हूँ आप सबके सामने। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी मेरी कोशिश कामयाब होगी, आप लोगों को पसंद आएगी, आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो आज मैं इस सत्र की शुरुआत, इस मंच का आगाज जिस विषय से कर रही हूँ वो है भाषा का अर्थ, विशेषताएं, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति। इस पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। अब आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि आखिर इन पर ही चर्चा क्यों? तो उसका कारण ये है दोस्तों कि शब्दों से वाक्य बनते हैं, वाक्य से भाषा बनती है, भाषा में साहित्य लिखा जाता है। तो अगर हमें साहित्य को पढ़ना है, उसे हृदयंगम करना है, तो हमें सबसे पहले जानना चाहिए कि भाषा किसे कहते हैं, उसकी क्या परिभाषा है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, और फिर क्योंकि साहित्य हमें हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी शब्द कैसे जन्मा, कैसे उसके विकास की प्रक्रिया शुरू हुई, और जो भाषा वैदिक युग में शुरू हुई थी वैदिक संस्कृत के रूप में, वो आज किस तरह से खड़ी बोली हिंदी के रूप में हम तक पहुंची। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सत्र, इस उम्मीद के साथ कि आपके लिए ये बहुत उपयोगी साबित होगा। और दूसरी बात, एक और मैं आपको बता दूं कि ये जो हम टॉपिक आज उठाने जा रहे हैं, ये नेट GRF के लिए जो बच्चे तैयार कर रहे हैं उनके लिए तो है ही, उसके साथ ही फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए भी है, जो MA कर रहे हैं उनके लिए भी है, और यहाँ तक कि कहीं कहीं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तो BA थर्ड ईयर के पाठ्यक्रम में भी ये टॉपिक लगा हुआ है, और जो IAS की हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही उपयोगी है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इसमें वो सामग्री मैं आपको दे सकूं जो सारी परीक्षाओं में समान रूप से काम में आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र में बच्चों हम पढ़ेंगे कि भाषा शब्द कैसे बना, दूसरी बात भाषा किसे कहते हैं, यानी भाषा को किस प्रकार भाषा वैज्ञानिकों ने और विद्वानों ने परिभाषित किया है, भाषा के विविध रूप कौन कौन से हैं, और भाषा की प्रकृति, उसका स्वभाव यानी उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, और इसके बाद क्योंकि हम भाषा कौन सी पढ़ेंगे, कौन सी भाषा का साहित्य पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का साहित्य, इसलिए हम जानेंगे कि हिंदी शब्द कैसे बना। और आज की हमारी जो ये चर्चा होगी उसके आधार ग्रंथ हमारे होंगे हिंदी भाषा का इतिहास भोलानाथ तिवारी, हिंदी व्याकरण पंडित कामता प्रसाद गुरु, हिंदी भाषा उद्भव विकास और रूप डॉक्टर हरदेव बाहरी। और इन सभी विद्वानों के, इन अनमोल ग्रंथों के आधार पर हम आज के अपने सत्र में भाषा शब्द की व्युत्पत्ति, उसके अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी प्रकृति पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि भाषा शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई। भाष धातु क्या है? भाष धातु का अर्थ होता है कहना, बोलना या उच्चारण करना। अब भाष धातु से आखिर भाषा शब्द कैसे बना, ये जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए यहां दो प्रत्यय दिखाए गए हैं, एक तो प्रत्यय है अंग जिसमें से अशेष रहता है, दूसरा प्रत्यय है टाप जिसमें से आशेष रहता है। अब आपके मन में प्रश्न ये उठेगा कि टाप प्रत्यय में से आ क्यों शेष रहता है, क्योंकि जो हलंत वर्ण है
वो लुप्त हो जाता है, और टाप प्रत्यय में ट में से अगर स्वर निकाल दिया जाए तो वो भी लुप्त हो जाता है और शेष रहता है हमारे पास आ। अब इन दोनों प्रत्ययों के योग से भाषा शब्द कैसे बनता है उसे हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, मूल धातु है भाष, इसके बाद इसमें प्रत्यय लगा अंग, अंग में से शेष रहा अ, यानी ये जो श आधा है ये मिलकर के क्या बन गया शब्द, भाष, यानी श पूरा बन गया। अब इसमें लगा टाप, टाप में से क्या शेष रहा आ, यानी श में जब आ जुड़ा तो कौन सा शब्द बन गया, भाषा। तो इस तरह से दोस्तों भाष धातु से भाषा शब्द की व्युत्पत्ति हुई। अब इस व्युत्पत्ति को देखने के बाद हमारे लिए जानना जरूरी है, हमारे सामने एक्चुअली ये स्पष्ट हो चुका है कि भाषा का सामान्य अर्थ क्या हुआ। भाषा का सामान्य अर्थ हुआ जो कही जाए, जो बोली जाए, क्योंकि भाष धातु का अर्थ ही है कहना, बोलना और उच्चारण करना। तो चलिए आगे देखते हैं। अब भाषा वास्तव में है क्या, भाषा है विचार विनिमय का माध्यम। विचार विनिमय क्या है, यानी हम किसी से कोई बात करते हैं, वो हमारी बात सुनता है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया, अपना विचार व्यक्त करता है। तो ये जो विचारों का आदान प्रदान है, ये जो विचारों की अदला बदली है, इसी को कहते हैं विचार विनिमय। यदि हमारे पास भाषा ना हो तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा कि हम अपने विचारों को किस प्रकार दूसरे तक पहुंचाएं, किस प्रकार अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करें। तो सबसे पहली बात जो भाषा के विषय में हमें याद रखनी है कि भाषा अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है, यानी भाषा विचार विनिमय का, विचारों के आदान प्रदान का जरिया है। प्रश्न अब ये उठता है कि विचार विनिमय तो ठीक है, लेकिन कई बार हम संकेत से भी विचार विनिमय करते हैं। जैसे कौन कौन से संकेत यहाँ दिए गए हैं, कई बार हम हाथ से किसी को रोक देते हैं, हम व्यस्त हैं, कोई आने की कोशिश कर रहा है कमरे में, हम हाथ दिखा देते हैं, यानी हमने संकेत किया, हमने मुंह से कुछ नहीं बोला, और जो सामने वाला व्यक्ति है उसने उस विचार को, उस भाव को हमारे ग्रहण किया और उसके अनुरूप कार्य किया। इसी तरह से कई बार हम ताली बजाकर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं, हमारे घर कोई मेहमान आते हैं तो घंटी बजाकर हमें सूचित करते हैं कि हम आ गए हैं, तो हम उन सारे संदेशों को, उन सारे विचारों को, उन सारी अभिव्यक्तियों को ग्रहण करते हैं और उसके अनुरूप कार्य करते हैं। इसी तरह से आंखें मिचकाकर, टेढ़ी करके, गहरी सांस लेकर, मुंह बिचकाकर, ये सारे संकेत हैं जिनके द्वारा हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। जो बच्चे ग्रामीण परिवेश से हैं जहाँ पर्दा प्रथा होती है, बच्चे जानते होंगे जब बड़े बुजुर्ग घर में प्रवेश करते हैं तो दरवाजे पर आकर थोड़ा सा खांसते हैं। वो खांसना क्या है, वो भी अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम है कि वे ये सूचना दे रहे हैं कि हम आ गए हैं, और जो भी बहू बेटियां घर में हैं वे अपने पर्दे वर्दे को सही कर लें, ये संकेत है उनका, और बहू बेटियां ग्रहण भी करती हैं। लेकिन शब्दों का कहीं इस सारी प्रक्रिया में इस्तेमाल नहीं होता क्या, तो क्या ये भी भाषा है, ये एक प्रश्न है। रेलवे गार्ड गाड़ी को चलाने के लिए हरी झंडी दिखाता है, गाड़ी को रोकने के लिए लाल झंडी दिखाता है, शब्दों का प्रयोग तो नहीं करता, तो क्या ये भी भाषा है। इसी तरह से ट्रैफिक पुलिस हरी, लाल और पीली बत्तियों के माध्यम से हमको जाने, रुकने या सोच समझकर आगे बढ़ने के लिए संकेत देती है, तो क्या ये भी भाषा है। स्पष्ट रूप से ये भाषा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से भाषा में क्या शामिल नहीं है या क्या शामिल है। तो आपको इस बात पर ध्यान देना है क्यों ये भाषा नहीं है, जबकि विचारों का आदान प्रदान तो हो रहा है और उसके हिसाब से कार्य भी किया जा रहा है, तो यानी विचार प्रेषित किए जा रहे हैं, अभिव्यक्ति की जा रही है, लेकिन फिर भी ये भाषा नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें कर्णेंद्रियों का प्रयोग नहीं है, हमारे मुंह से कोई ध्वनि नहीं निकली, श्रोता ने हमारी उस ध्वनि से अर्थ को ग्रहण नहीं किया, केवल उसने अपनी आंखों से हमारे संकेतों को देखा और उसके अनुरूप कार्य किया, इसलिए ये सारे संकेत भाषा में शामिल नहीं है। किस दृष्टि से, भाषा विज्ञान की दृष्टि से। आगे चलते हैं। अब अगर ये संकेत भाषा नहीं है तो आखिर भाषा है क्या, तो देखिए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, जिनका जिक्र मैंने किया था शुरुआत में ही,
वे लिखते हैं कि भाषा विज्ञान में हम जिस भाषा का अध्ययन विश्लेषण करते हैं, यानी जिस भाषा के विषय में पढ़ते हैं और जिस भाषा का विश्लेषण करते हैं, जिस भाषा को समझने की कोशिश करते हैं, उसका स्वरूप इतना व्यापक नहीं होता कि उसमें संकेतों की भाषा भी शामिल की जाए। तो फिर क्या शामिल किया जाता है? उसमें उन सभी साधनों को नहीं लिया जाता जिनके द्वारा विचारों को अभिव्यक्त किया जाता है, न उसे लेते हैं जिनके द्वारा हम सोचते हैं। यानी संकेत नहीं शामिल है, हमारे विचार नहीं शामिल है, हमारी चिंतन की प्रक्रिया उसमें शामिल नहीं होती। तो भाषा क्या है? अब देखिए, भाषा उसे कहते हैं जो बोली और सुनी जाती है। आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि जो व्यक्ति के, एक व्यक्ति के द्वारा जो कुछ भी बोला जा रहा है और दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो सुना जा रहा है, यानी मुख के अवयवों का प्रयोग हो रहा है और कर्णेंद्रियों का यानी कानों का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि सुनना कान से है, बोलना मुख से है। तो ऐसी स्थिति में जो बोली जाती है, जो सुनी जाती है, वही भाषा है। लेकिन बोलना भी कई प्रकार का होता है। हर जीव जंतु, हर प्राणी बोलता है, पशु पक्षियों की भी भाषा होती है, और वैज्ञानिकों ने, कुछ ने ये भी कहा है कि पेड़ पौधे भी संकेतों से बात करते हैं। लेकिन पशु पक्षियों की भाषा भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसमें शामिल नहीं है, और ना ही गूंगे मनुष्यों के संकेत इसमें शामिल हैं। इसमें केवल बोल सकने वाले मनुष्यों की भाषा ही भाषा मानी गई है। इस बात को आप ध्यान रख लेंगे। आगे चलते हैं। अब भाषा के परिभाषाओं की बात करते हैं कि किस तरह से विभिन्न विद्वानों ने भाषा को परिभाषित किया है। भोलानाथ तिवारी की परिभाषा को हमने देखा। अब हम देखते हैं कि प्लेटो, जो एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने एक सोफिस्ट नामक ग्रंथ लिखा है और उसमें भाषा को परिभाषित करते हुए लिखा है, विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है। भाषा की पृष्ठभूमि बता रहे हैं यहाँ पर प्लेटो। वे कह रहे हैं विचार क्या है? विचार आत्मा में जो व्यक्ति चुप रहकर सोचता है, जिसमें से ध्वनि नहीं निकलती, यानी व्यक्ति अपने अंदर ही बातचीत करता है लेकिन उसमें ध्वनि नहीं होती, विचार ऐसी बातचीत है। लेकिन जब वही अध्वन्यात्मक बातचीत ध्वन्यात्मक बनकर, यानी ध्वनि के माध्यम से, आवाज के माध्यम से मनुष्य के होठों पर प्रकट होती है, तो उसे भाषा कहा जाता है। यानी ये स्पष्ट हो गया कि भाषा प्लेटो के अनुसार क्या है? वह ध्वनि जो होठों पर प्रकट होती है, यानी जो सुनी जाती है और जो बोली जाती है। आगे चलते हैं। अब निष्कर्ष क्या निकला इस सारा जो हमने चर्चा की, उसका निष्कर्ष क्या है? उसका निष्कर्ष है कि भाषा क्या है? भाषा वह है जो वक्ता के विचार श्रोता तक पहुंचाती है। और वो विचार कैसे होते हैं? ध्वनि के माध्यम से व्यक्त होते हैं। और वो ध्वनि कैसी होती है? निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के उच्चारण अवयवों से निसृत, निसृत यानी निकली हुई, इसको निसृत कर लेंगे, ये इस तरीके से लिखा जाएगा, निसृत यानी निकली हुई जो ध्वनियों का समूह है वही भाषा है। तो दो बातें हो गई, जो सुनी जाए, जो कही जाए, और जिसमें ध्वनियों का समूह हो वही भाषा है। भाषा की ध्वनिया का जो समूह होता है वो कैसा होता है? सार्थक होता है। यानी जो ध्वनिया भाषा को उसका अर्थ प्रदान करती हैं, उन ध्वनियों का सार्थक होना भी बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि उन सार्थक ध्वनियों के माध्यम से ही श्रोता को एक निश्चित अर्थ का बोध होगा, यानी वक्ता क्या कहना चाह रहा है ये बात श्रोता को कब सुनाई देगी, जो ध्वनि समूह उसके कानों में पड़ रहा है वो सार्थक हो। अर्थात भाषा निश्चित प्रयत्नों के द्वारा मुख से निकली सार्थक ध्वनियों का समूह है जो वक्ता के विचारों को श्रोता तक पहुंचाता है। ये हुई अभी तक की हमारी चर्चा का निष्कर्ष, उसका निचोड़ कि भाषा आखिर क्या है। इसमें तीन बातें महत्वपूर्ण है, एक तो निश्चित प्रयत्न है, दूसरा मुख से निकलना, और तीसरा सार्थक ध्वनियां, और चौथी एक बात ये भी मान लीजिए कि वक्ता के विचारों को श्रोता तक पहुंचाता है। जहां ये चार बातें मौजूद है भाषा विज्ञान की दृष्टि से, वही भाषा है। आगे चलते हैं। अब भाषा अनेक रूपों में हमारे सामने आती है, जैसे बोली, परिनिष्ठित भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा। इन पर विस्तार से चर्चा हम अपने आगे के सत्रों में करेंगे, लेकिन संक्षेप में जब चर्चा भाषा की हो ही रही है तो मैं ये बता दूंगी
कि बच्चों जिसकी लिपि नहीं हो और जो आम जन के द्वारा बोली जाए वही क्या है, बोली है। लेकिन बोली जब अपनी लिपि निर्धारित कर लेती है तब वो साहित्य में प्रयुक्त होने लगती है, जैसा ब्रज और अवधी भाषाओं के साथ हिंदी साहित्य में हुआ। परिनिष्ठित भाषा क्या है? जब किसी भी भाषा को व्याकरण के नियमों में बांध दिया जाता है जिसमें तत्सम शब्दों की प्रधानता होती है वो परिनिष्ठित भाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा है राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर जब कोई भी भाषा एक विस्तृत भूभाग में अपना व्यापक रूप धारण कर लेती है, सबकी अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाती है, सबकी विचार विनिमय का माध्यम बन जाती है, तो वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। और राजभाषा क्या है? राजभाषा है जो सरकारी कामकाज में इस्तेमाल की जाती है, राजकाज में इस्तेमाल की जाती है, जैसे हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। तो ये चार प्रमुख रूप भाषा के हमारे सामने आते हैं जिनकी बारीकी आपको जान लेनी चाहिए, क्योंकि इन पर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। आगे चलें। अब बात आती है भाषा की प्रकृति की। प्रकृति यानी भाषा की विशेषताएं, भाषा का स्वभाव। तो सबसे पहली विशेषता जो भाषा की है, भाषा यादृच्छिक होती है। यानी हम सभी जो प्रयोग करते हैं भाषा को वो अपनी इच्छा के अनुसार प्रयोग करते हैं। अगर यादृच्छिक शब्द का हम कोशगत अर्थ देखें तो उसका अर्थ होता है ऐच्छिक, यानी अपनी इच्छा के अनुसार, स्वतः स्फूर्त और स्वतंत्र, यहां कौमा लगा लेंगे, स्वतंत्र रूप से जो विकसित होती है अपनी इच्छा के अनुसार हर व्यक्ति के द्वारा जो प्रयुक्त की जाती है वो भाषा होती है। यानी भाषा किसी भी प्रकार के नियमों में अधिक समय तक बंधी नहीं रहती, वो एक अनवरत प्रवाह होता है और जैसी इच्छा होती है उसके अनुसार स्वतंत्र रूप से निरंतर विकासमान होती है। और यही कारण है कि वैदिक संस्कृत से लेकर आज खड़ी बोली हिंदी तक इसी यादृच्छिकता के कारण भाषा इतने सोपान पार करके विकसित हो सकी है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी यादृच्छिकता के विषय में क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि यादृच्छिक शब्द का जो सरल अर्थ है वो क्या है? माना हुआ, यानी जैसा मान लिया गया है। आगे चलते हैं। अब यहां माना हुआ का अर्थ क्या है? माना हुआ का अर्थ है कि बिना किसी तर्क, नियम या किसी कारण के किसी भी बात को जब स्वीकार कर लिया जाए, मान लिया जाए, तो उसे यादृच्छिकता कहते हैं, माना हुआ कहते हैं। उदाहरण के लिए भोलानाथ तिवारी उदाहरण देते हैं अपनी पुस्तक में कि संस्कृत में जल, हिंदी में पानी, अंग्रेजी में वाटर एक ही वस्तु का बोध कराते हैं और यही भाषा की यादृच्छिकता है। अगर सभी वस्तुओं के लिए सारी संसार की भाषाओं में एक ही शब्द का इस्तेमाल होता तो भाषाएं विश्व में 3000 नहीं होती, एक ही भाषा होती। यही भाषा की यादृच्छिकता है और इसी यादृच्छिकता के कारण विश्व में 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। यदि भाषा में, भोलानाथ तिवारी लिखते हैं कि यदि भाषा में प्रयुक्त ये सार्थक ध्वनि समष्टियां यों ही मानी हुई या यादृच्छिक न होती, यानी इच्छानुसार प्रयुक्त न की जाती, तो संसार की सभी भाषाएं लगभग एक सी होती। आगे चलते हैं। अब अगली विशेषता भाषा की है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती। अब यहां हमें यह समझना है कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती, इसका अर्थ क्या है? पैतृक संपत्ति क्या होती है? पैतृक संपत्ति होती है जिसे विरासत में हम पिता से प्राप्त करते हैं, जो जमीन जायदाद हो सकती है, जो किसी भी तरह की कोई बहुमूल्य वस्तु हो सकती है। लेकिन भाषा को पैतृक संपत्ति नहीं माना गया है क्योंकि क्यों नहीं माना गया है भाषा को पैतृक संपत्ति? क्योंकि बच्चा कहीं भी जन्म ले, किसी भी माता पिता के परिवार में जन्म ले, लेकिन अगर उसका पालन पोषण किसी दूसरे परिवेश में होता है, किसी दूसरे स्थान पर होता है जहां की भाषा भिन्न है, तो बच्चा वही भाषा सीखता है जिस परिवेश में वो पलकर बड़ा हुआ है, जो उसके परिवेश में बोली जाती है, उसके वातावरण में बोली जाती है। इससे स्पष्ट होता है बच्चों कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती। यहाँ एक बहुत अच्छा रोचक उदाहरण मुझे याद आ रहा है। एक बहुत कई वर्ष पहले दूरदर्शन पर एक प्रोग्राम आया करता था, एक कार्टून सीरियल आया करता था, मोगली। और उस मोगली में बच्चा तो वो इंसान का ही था, मनुष्य का ही था, लेकिन वो भाषा किसकी बोलता था?
जानवरों की भाषा समझता था, जानवरों की भाषा बोलता था। क्यों? क्योंकि उसका परिवेश जो उसे मिला पालन पोषण के दौरान, वो जंगल का था, जानवरों के बीच का था। तो इस उदाहरण से आपको, मैं सोचती हूँ कि समझ में आ गया होगा कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती। अब अगली विशेषता है कि भाषा अर्जित संपत्ति होती है। अर्जन का क्या मतलब है? अर्जन का मतलब है कमाना, प्रयत्न पूर्वक किसी भी चीज को प्राप्त करना। यानी परिवेश से, वातावरण से भाषा को सीखा जा सकता है। माँ के गर्भ से बच्चा कोई भाषा सीखकर नहीं आता। जिस तरह का परिवेश उसे मिलता है, उसमें वो अपने प्रयत्नों के द्वारा उस शब्द को ग्रहण करता है, भाषा को ग्रहण करता है, और वही भाषा उसके विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनती है। यानी उसे भाषा को सीखने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। ये तो हुई हमारी परिवेश से दी हुई भाषा। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी भाषाएं होती हैं जो हमारी अपनी नहीं होती, विदेशी भाषाएं होती हैं, जैसे अंग्रेजी है, फ्रेंच है, जर्मन है। हम इनको सीखने के लिए, क्योंकि यह हमारे परिवेश की देन नहीं है, हमारे परिवेश की भाषा नहीं है, इसको सीखने के लिए हमें विशेष प्रयत्न करने पड़ते हैं, अर्जन करना पड़ता है, उन्हें कमाना पड़ता है। इसलिए भाषा की एक विशेषता है कि भाषा अर्जित संपत्ति होती है। अर्थात भाषा परिवेश से अर्जित की जाती है, कमाई जाती है, यानी प्रयत्न पूर्वक प्राप्त की जाती है, सीखी जाती है। आगे चलते हैं। भाषा आद्यंत एक सामाजिक वस्तु है। भाषा वैदिक संस्कृत से लेकर के आज खड़ी बोली हिंदी तक जो विकसित होकर आई है, वो एक क्रमिक प्रक्रिया है, एक प्रवाह है, जिसे हम तोड़ नहीं सकते। जैसे जल के प्रवाह को, नदियों की धारा को तोड़ा नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता, वो अनवरत बहती हैं। ऐसे ही भाषा के विकास जो है वो परंपराओं से हमें प्राप्त होता है। हम स्वयं उसे प्रयत्न पूर्वक प्राप्त तो कर सकते हैं, लेकिन स्वयं उसको उत्पन्न नहीं कर सकते। अपने आप कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा नहीं बना सकता। तो इसलिए कहा गया है कि भाषा परंपरा है, व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। आगे चलते हैं। अगली विशेषता, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। अनुकरण का मतलब क्या है? किसी के भी पीछे पीछे जैसा कार्य हम देख रहे हैं, उसी कार्य को करने का प्रयास करना। तो भाषा को भी हम अनुकरण से सीखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कॉलेज में, स्कूल में होते हैं और हमें किसी अध्यापक के प्रति बहुत ज़्यादा आत्मीयता का अनुभव होता है और हम उसी के हाव भावों का अनुकरण करने लगते हैं। हम चाहते हैं कि हम भी वैसा ही बोलें, वैसे ही चलें, वैसे ही बातचीत करें। तो उसी तरीके से समाज में बहुत सारी नई नई चीज़ें, विचार विनिमय के दौरान नए नए शब्द हम सीखते हैं और वो सब अनुकरण के द्वारा सीखे जाते हैं। हम अपने, अगर माता पिता से भाषा सीख रहे हैं तो भी हम अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। हम अगर समाज के अन्य सदस्यों से, अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से भाषा सीख रहे हैं तो भी हम अनुकरण के द्वारा ही सीख रहे हैं, क्योंकि हम उनके शब्दों को बोलने का प्रयास कर रहे हैं, वैसी ही अभिव्यक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए भाषा की एक विशेषता हुई कि भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। अगली विशेषता है कि भाषा चिर परिवर्तनशील है। चिर परिवर्तनशील यानी हमेशा से, अनंत काल से, जब से भाषा है तब से भाषा का स्वरूप निरंतर परिवर्तित होता रहा है। जैसे ये सृष्टि, इसके पेड़ पौधे, इसके सारे जीव जंतु हर क्षण परिवर्तित होते हैं, उसी तरह से भाषा भी एक ऐसी विरासत है जो हर क्षण परिवर्तित होती है। फर्क इतना है कि भाषा का जो परिवर्तन होता है वो उतना बारीक होता है, उतना सूक्ष्म होता है कि हमें आँखों से तब तक दिखाई नहीं देता जब तक कि वो परिवर्तन बहुत बड़ा ना हो जाए। इसलिए भाषा हर क्षण परिवर्तित होती है। हर क्षण परिवर्तित होने की प्रक्रिया का ही परिणाम है कि हम संस्कृत से खड़ी बोली तक की यात्रा तय कर आए हैं। दो मनुष्यों की भाषा कभी बिल्कुल एक सी नहीं होती, क्योंकि हमेशा परिवर्तनशील है। अनुकरण द्वारा सीखे जाने पर भी, ये ध्यान देंगे इस बात पर, अनुकरण द्वारा सीखे जाने पर भी शारीरिक एवं मानसिक भिन्नता के कारण भाषा का स्वरूप परिवर्तित होता है। अब इस शारीरिक एवं मानसिक भिन्नता का मतलब क्या है? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारे शरीर में हमारे जो मुख के अवयव हैं वो पूरी तरह से विकसित नहीं होते,
उसके कारण हमारे उच्चारण में भिन्नता आती है, उसके कारण हम जब शब्दों का उच्चारण करते हैं वो भिन्न होते हैं, तो उसके साथ साथ भाषा भी परिवर्तित होती है। जैसे ठंडे प्रदेश के यूरोप के जो लोग हैं, आगे हम पढ़ेंगे, वो ह का उच्चारण नहीं कर पाते, उसकी जगह अ का उच्चारण करते हैं, ई का उच्चारण करते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे कि ईरानी जो शब्द थे उन्होंने स की जगह ह का उच्चारण किया, तो उच्चारणगत भिन्नता है। दूसरी बात, मानसिक भिन्नता का अभिप्राय ये है, कोई अशिक्षित है, कोई थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, कोई बहुत अधिक प्रकांड पंडित है, विद्वान है, तो उन सबके मानसिक स्तर भिन्न भिन्न होते हैं और उसके स्तर के अनुसार ही भाषा भी अपना रूप बदलती है। एक बहुत छोटा सा उदाहरण जो मैं अक्सर दिया करती हूँ विद्यार्थियों के सामने, वो ये है कि जैसे TIME टाइम होता है, सबको पता है टाइम है, लेकिन अगर हम किसी बिना पढ़े लिखे व्यक्ति से या मजदूर से कई बार मैं बात करती हूँ तो वो कहेगा अभी टेम कौन ही हुआ, तो टेम टाइम को क्या बोल रहा है, वो टेम बोल रहा है। तो जो भाषा है वो यहाँ अपना स्वरूप धीरे परिवर्तित करने लग गई और उसके समुदाय के लोग उससे जो शब्द ग्रहण करेंगे अनुकरण के द्वारा, वो टाइम ग्रहण नहीं करेंगे, वो क्या ग्रहण करेंगे, टेम। और इसी तरह से भाषा का स्वरूप एक क्षेत्र विशेष में, एक समुदाय विशेष में निरंतर परिवर्तित होता है, तो भाषा चिर परिवर्तनशील है। आगे चलते हैं। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि भाषा चिर परिवर्तनशील है। ये नहीं हो गया कि भाई आज ठीक है खड़ी बोली बन गई, अब बस इतना ही है, ऐसा कभी नहीं होता। भाषा कभी अंतिम क्षण तक नहीं पहुंचती, अपनी अंतिम स्थिति तक नहीं पहुंचती, क्योंकि उसमें निरंतर बदलाव होते रहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी भाषा हमेशा कठिन से जटिल से सरल स्वरूप को ग्रहण करती हुई निरंतर विकासमान होती है। तो भाषा निरंतर आगे बढ़ती रहती है, विकसित होती रहती है। अगली विशेषता है कि भाषा की भौगोलिक सीमा होती है। हर क्षेत्र में भाषा एक सी नहीं होती। अगर भाषा की भौगोलिक सीमाएं ना होती तो सारे विश्व के लोगों की भाषा एक जैसी होती, लेकिन हम ऐसा देखते नहीं हैं। हमने पढ़ा, मैंने आपको पहले भी बताया कि संपूर्ण विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में भाषा तो हर 3 कोस के बाद अपना रूप बदलती है, तो इसका मतलब है कि भाषा की भौगोलिक सीमा होती है, अर्थात किसी भी निश्चित भाषा का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित भाषा बोली जाती है। हम अपने राजस्थान में ही देखते हैं कि बाड़मेर की भाषा अलग है, जयपुर की भाषा अलग है, शेखावाटी क्षेत्र की भाषा अलग है, जालौर की भाषा अलग है, जोधपुर की भाषा अलग है, बीकानेर की भाषा अलग है, सब में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है और वहाँ भी और थोड़े थोड़े कोस पर थोड़े थोड़े क्षेत्रों में बदलाव हम भाषा में देखते हैं। यही कारण है कि हम कह सकते हैं कि भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। आगे चलते हैं। भाषा की ऐतिहासिक सीमा होती है। अब भाषा की ऐतिहासिक सीमा का अर्थ क्या है कि एक कालखंड विशेष में भाषा अपने एक स्वरूप में रहती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाषा में निरंतर सूक्ष्म परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए एक निश्चित समय तक, जब तक कि वो परिवर्तन बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमारे सामने नहीं आ जाते, तब तक वो परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देते, इसलिए एक कालखंड विशेष में भाषा एक जैसे स्वरूप में रहती है, ऐसा माना जा सकता है, इसलिए भाषा की ऐतिहासिक सीमा होती है। इस बात को यूं भी समझा जा सकता है बच्चों कि अगर भाषा की ऐतिहासिक सीमा नहीं होती तो 1500 से 1000 के बीच वैदिक संस्कृत, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक लौकिक संस्कृत, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक पाली, इस तरह के कालखंडों का भाषा का निर्धारण नहीं होता। इससे स्पष्ट है कि हमने ये विभाजन किया हुआ है तो उससे के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भाषा की ऐतिहासिक सीमा होती है। आगे चलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि भाषा हमेशा कठिन से सरल की ओर जाती है। जैसे अगर हम कहीं भी थोड़ा सा भी पानी गिरा दें, पानी का मूल स्वभाव क्या होता है, बहना, प्रवाहित होना, तो अगर जरा कहीं भी ढलान है जमीन पर तो पानी हमेशा बहकर वहीं जाएगा। उसी तरह से भाषा का प्रवाह भी कठिन से सरल की ओर जाता है। अगर कठिन से सरल की ओर जाने की प्रवृत्ति भाषा की नहीं होती तो वैदिक संस्कृत के जटिल स्वरूप को छोड़कर लौकिक संस्कृत को धारण न करती भाषा, लौकिक संस्कृत की जटिलता को छोड़कर पाली
और प्राकृत और फिर अपभ्रंश को धारण नहीं करती भाषा। निरंतर हम देखते हैं, जब हम इन भाषाओं की विशेषता पर बात करेंगे तब आप ये जान लेंगे कि कैसे भाषा कठिन से सरल की ओर जाती है। एक बहुत ही सरल आम जिंदगी का उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि जैसे संस्कृत में शब्द है कर्म, लेकिन सरल होकर क्या बन गया? काम। बहुत सारे ऐसे ही एक शब्द है कर्ण, जिसका अर्थ होता है कान, और हम क्या बोलते हैं? कान। ये दो उदाहरण ऐसे हैं बच्चों जो ये स्पष्ट करते हैं कि भाषा हमेशा अपने कठिन स्वरूप को छोड़कर सरल स्वरूप को ग्रहण करती है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि भाषा जब जन सामान्य में बोली जाती है तभी उसका सही विकास होता है, और जन सामान्य में हर व्यक्ति शिक्षित हो ये कोई आवश्यक नहीं होता, आम आदमी भी होता है, साधारण मनुष्य भी होता है। तो ऐसी स्थिति में भाषा के कठिन स्वरूप को वो जब उच्चरित नहीं कर पाते तो उसका सरलीकरण कर लेते हैं और वो अपने आप हो जाता है। तो इसलिए, क्योंकि भाषा का स्वभाव है कठिन से सरल की ओर जाना। आगे चलते हैं। भाषा में सृजनात्मकता होती है। सृजनात्मकता यानी कुछ भी सृजन करने की, कोई कलात्मकता का गुण भाषा में स्वभाव से विद्यमान होता है। कोई भी एक उदाहरण लें, जैसे मान लीजिए हम किसी भी एक वाक्य को ले लें, कोई भी एक वाक्य हम बहुत तरीके से कह सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने अपने घर पर किसी मित्र को बुलाया है और मित्र को आने में थोड़ी सी देर हो गई है। आप उससे कहेंगे, अरे बड़ी जल्दी आ गए, एक तरीका है ये। दूसरा, इतनी देर क्यों लगा दी रे तूने, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, और थोड़ी देर से आते। चौथा तरीका, ओहो आज सूरज कौन सी दिशा से निकला। तो कितने तरीकों से हमने एक ही बात कह दी। ये भाषा की सृजनात्मकता है, और यही कारण है कि भाषा में उत्कृष्ट और विविध रूपों में साहित्य लिखा जाता है। कभी कोई कवि महाकाव्य लिखते हैं, कोई खंड काव्य लिखते हैं, कोई मुक्त छंद लिखते हैं, कोई संगीतात्मक काव्य लिखते हैं, तो गद्य के भी अलग अलग रूप हमारे सामने आजकल आ रहे हैं। तो ये भाषा की सृजनात्मकता का ही प्रतिफल है कि भाषा के कारण साहित्य हमें इतने विविध रूपों में, इतनी अलग अलग भाव भंगिमाओं में अभिव्यक्त होता दिखाई देता है। अगला पॉइंट, भाषा अनेक निरर्थक और सार्थक इकाइयों से मिलकर बनती है। अब क्या है ये निरर्थक और सार्थक इकाइयां? निरर्थक इकाइयां होती हैं वर्ण और ध्वनि। ये निरर्थक इकाइयां हैं। क्यों है ये वर्ण और ध्वनि निरर्थक इकाइयां? ये इसलिए निरर्थक इकाइयां हैं क्योंकि स्वतंत्र रूप से इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जब कई वर्ण कई ध्वनियां आपस में मिलकर एक शब्द का निर्माण करती है तब उसका अर्थ निकलता है। और सार्थक इकाइयां कौन सी होती हैं? शब्द है सार्थक इकाई, उपसर्ग है सार्थक इकाई, प्रत्यय है सार्थक इकाई, कारक है सार्थक इकाई। क्योंकि इन सबके भाषा में जुड़ने के बाद ही शब्द के अर्थ में परिवर्तन होता है। अब इसका हम एक उदाहरण देखते हैं। देखिए, जैसे एक शब्द है कला, छोटा सा शब्द, अब कला शब्द को अगर हम तोड़ें, वैसे तो ये एक शब्द है और एक कला एक किसी भी कृति को की ओर संकेत करता है, हम इसके ये अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन अगर हम इसको तोड़ें, इसके टुकड़े करें, तो क क अ ल और आ। अब क्या इन ध्वनियों का, इन वर्णों का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ है? निश्चित ही नहीं है। तो ये कौन सी इकाई हुई? भाषा की निरर्थक इकाई। लेकिन जब ये ही इकाई एक दूसरे से जुड़ जाएगी तो ये बन जाएगा कला। तो ये कला जो शब्द हो गया, ये क्या हो गई? भाषा की सार्थक इकाई। इस तरीके से भाषा की एक विशेषता होती है कि वो निरर्थक और सार्थक इकाइयों से मिलकर बनती है। और इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है, ध्वनि सबसे छोटी मौखिक इकाई है, फिर वर्ण होते हैं, फिर शब्द होते हैं, फिर वाक्य बनते हैं। तो बहुत सारी इकाइयों से कोई भी हम वाक्य ले लें, जैसे कि राम फल खाता है। राम फल खाता और है, अलग अलग शब्द हैं, स्वतंत्र रूप से वो किसी खास बात की ओर, किसी खास
विचार से हमारी पहचान नहीं कराते, लेकिन जब हम पूरा एक वाक्य बना लेते हैं तब हमें समझ में आ जाता है कि इस वाक्य के द्वारा हम क्या कहना चाहते हैं। अब अगली विशेषता है कि भाषा अंतरणशील होती है। भाषा अंतरणशील होने का क्या अर्थ है कि भाषा में वो क्षमता होती है कि भले ही उसका प्रयोग हम वर्तमान काल में कर रहे हैं, लेकिन वो भूतकाल की बातों को भी अभिव्यक्त कर सकती है और वो भविष्य की बातों को भी अभिव्यक्त कर सकती है। यानी काल में किसी बीते हुए समय में या किसी आने वाले समय में भी प्रवेश कर भाषा उससे संबंधित विचारों की अभिव्यक्ति करने की सामर्थ्य रखती है। अगर भाषा में ये अंतरणशीलता नहीं होती तो हमारे इतिहास ग्रंथ कैसे लिखे जाते। ये भाषा की अंतरणशीलता का ही उदाहरण है कि हमारे पास इतना विपुल ऐतिहासिक साहित्य मौजूद है। हिंदी साहित्य का शुक्ल जी का इतिहास भला हम कैसे पढ़ पाते, डॉक्टर नगेंद्र को भला हम कैसे पढ़ पाते। तो भाषा अंतरणशील होती है, अर्थात भूत वर्तमान भविष्य को व्यक्त करने की क्षमता से युक्त होती है भाषा। चलिए आगे चलते हैं। यहां तक हम पूरा पढ़ चुके भाषा की प्रकृति कैसी होती है, उसकी विशेषताएं क्या है। अब बात आती है कि हमें कौन सी भाषा का अध्ययन करना है। तो हमें हिंदी भाषा का अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हमें जैसे पता होना चाहिए था कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा शब्द कैसे बना, वैसे ही हमें ये पता होना चाहिए कि हिंदी शब्द वास्तव में बना कैसे, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ईरानियों यानी पारसियों, अब देखिए यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ईरानी, पारसी और फारसी सब एक ही बात है, ये आपको ध्यान में रखना है। शब्द अलग अलग है लेकिन एक ही बात है। तो ईरानियों यानी पारसियों की उच्चारण भिन्नता के कारण, किसके कारण, उच्चारण भिन्नता के कारण और भाषा के निजी स्वभाव के कारण। निजी स्वभाव कौन सा हो गया, निरंतर परिवर्तनशील होने का स्वभाव, कठिन से सरल की ओर जाने का स्वभाव। तो उसके कारण हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई। आर्य जब ईरानी और दरद लोगों से बिछुड़कर अलग होकर भारत में प्रविष्ट हुए 1500 ईसा पूर्व के लगभग, तो उन्होंने अपना केंद्र कहाँ बनाया, सिंधु नदी और उसके आसपास के क्षेत्र में। तो वो सिंधु जो नदी थी, ये शब्द जो था सिंधु, ये पहले केवल नदीवाचक शब्द था यानी किसी नदी के नाम का द्योतक था। लेकिन क्योंकि ईरानी उच्चारण में स नहीं बोल पाते थे इसलिए वो स के स्थान पर प्रयुक्त करते थे ह। ज़ेंद अवेस्ता जो ग्रंथ है ईरानियों का धार्मिक ग्रंथ, उसमें भी सिंधु को हिंदू कहकर पुकारा गया है। तो ह उच्चारण स का होने के कारण शब्द कौन सा बन गया, हिंदू। पहले बना हिंदू, लेकिन भाषा क्योंकि कठिन से सरल की तरफ जाती है इसके उच्चारण में थोड़ी दिक्कत है, आप बोलकर देखिए आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हिंदू से धीरे धीरे विकसित होकर परिवर्तित होकर के हो गया हिंदू। हिंदू से भी ज्यादा सहज बोलने में लगा हिंद, तो हिंदू से हिंद बन गया। फिर इसमें ईरानियों का ईक प्रत्यय लग गया और ये शब्द बन गया हिंदीक। हिंदीक का अर्थ है हिंद का। इस प्रकार बाद में कालांतर में जैसे जैसे भाषा का विकास होता गया, ये हिंदीक का जो क है वो लुप्त हो गया और शब्द हमारे सामने आ गया हिंदी। और प्रारंभ में ये हिंदी केवल एक क्षेत्र विशेष की भाषा थी, लेकिन जैसे जैसे आर्य भीतरी क्षेत्रों में आगे बढ़ते गए वैसे वैसे ये संपूर्ण भारत देश की भाषा का बोधक शब्द बन गया। इस तरीके से एक सीमित सिंधु नदी के आसपास के प्रदेश से बढ़कर विकसित होकर व्यापक रूप धारण करके हिंदी शब्द संपूर्ण भारत खंड की भाषा का बोधक बन गया यानी विकसित होकर इस रूप में हमारे सामने आया, अर्थात हिंद देश यानी भारत की भाषा। आगे चलते हैं। इसी प्रकार यूनानियों की उच्चारणगत भिन्नता, देखिए अभी हमने ईरानियों की बात की, अब यूनानियों की उच्चारणगत भिन्नता और भाषा की प्रकृति के योग से इंडिया शब्द बना। प्रसंगवश ये भी बता देती हूं, हिंदीक था जिसमें ईक प्रत्यय लगा था हिंद में, तो हिंदीक बना था। अब क्योंकि यूनानी ह नहीं बोल पाते थे, वो ई बोलते थे, ही की जगह ई बोलते थे, तो हिंदीक का हो गया, द की जगह ड बोलते थे, इसलिए हिंदीक का हो गया इंडीक। इंडीक से इंडिका बन गया और इंडिका से कालांतर में क्या बन गया, इंडिया।
जो आज हमारे देश के लिए विदेशों में भी प्रयुक्त किया जाने वाला नाम है। तो इस प्रकार उच्चारणगत भिन्नता के कारण हिंदी से ही इंडिया शब्द कालांतर में विकसित हुआ। आपको ध्यान होगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनान से एक दूत राजदूत आया था मेगस्थनीस, जिसने एक ग्रंथ लिखा था इंडिका, और वो इंडिका इस परिवर्तन का हिंदी से इंडिका तक आने की जो यात्रा है उसको प्रमाणित करता है। तो आगे चलते हैं, हिंदी शब्द हिंद देश की भाषा का व्यंजक होने के कारण किस किस भाषा की का संकेत करता है? संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय भाषाओं का भी ये शब्द बोधक हो गया है। आगे चलते हैं, अब हिंदी शब्द का प्रारंभिक प्रयोग कब और कैसे शुरू हुआ? तो सबसे पहले 1253 से 1325 ईस्वी अमीर खुसरो का समय माना गया है, और अमीर खुसरो ने सबसे पहले अपने ग्रंथ खालिक बारी में, जो फारसी का एक शब्दकोश माना जाता है, उसमें देशी भाषा के रूप में हिंदी और हिंदवी और हिंदी हिंदुई तीन शब्दों का प्रयोग किया। कौन कौन से? हिंदी शब्द, हिंदवी शब्द और हिंदुई शब्द। लेकिन ये किस रूप में प्रयुक्त किए गए थे? देशी भाषा के रूप में प्रयुक्त किए गए थे। देशी भाषा का यहाँ पर क्या मतलब है? देशी भाषा का मतलब है आम जनमे आम लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को यहाँ पर हिंदी, हिंदवी या हिंदुई कहकर पुकारा गया है। अपने ग्रंथ खारिक बारी में उन्होंने लगभग 30 बार, ध्यान रखेंगे, 30 बार हिंदवी शब्द का प्रयोग किया और 5 बार हिंदी शब्द का प्रयोग किया। यानी प्राचीनतम जो हिंदी का उल्लेख मिलता है वो अमीर खुसरो के खालिक बारी ग्रंथ में मिलता है, लेकिन ये भारत की भाषा के रूप में नहीं बल्कि देशी भाषा के रूप में इस शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है। आगे चलते हैं, अब हिंदी शब्द का भारत की भाषा के रूप में प्रयोग कब हुआ? वो हुआ 1424 ईस्वी में। शरफुद्दीन यजदी ने अपने ग्रंथ जफरनामा में सबसे पहले इसका प्रयोग भारत की भाषा के रूप में किया। मध्यकाल में फारसी तथा अरबी साहित्य में इस हिंदी को ज़बाने हिंदी कहा गया, और भारत के प्राचीन और मध्यकालीन आर्य भाषाओं संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश का इस हिंदी को बोधक माना गया। इस तरह से एक छोटे से सिंधु प्रदेश की भाषा के बोधक से बढ़कर विकसित होकर व्यापक रूप धारण करके हिंदी शब्द संपूर्ण भारत देश की भाषा का बोधक बना। आगे चलते हैं, इब्न अल मुकफ्फा ने जब पंचतंत्र का अरबी भाषा में कलील उल दिमन्ना के नाम से अनुवाद किया तब उन्होंने पंचतंत्र की भाषा को ज़बाने हिंदी ही कहा। पंचतंत्र ग्रंथ से आप सभी परिचित हैं, इब्न उल मुकफ्फा उर्दू के अरबी भाषा के बहुत बड़े विद्वान हुए। उन्होंने पंचतंत्र की कहानियों का अरबी भाषा में अनुवाद किया और उसे नाम दिया कलील उल दिमन्ना, और उसकी पंचतंत्र की मूल भाषा के लिए उन्होंने लिखा कि ये ज़बाने हिंदी है, यानी हिंद देश के नागरिकों की भाषा में लिखा गया ये ग्रंथ है। अर्थात प्रारंभ में हिंदी शब्द का प्रयोग हिंदी का के अर्थ में इस्तेमाल किया गया। आगे चलते हैं, 1800 ईस्वी में बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है हिंदी साहित्य के, विद्यार्थियों को ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई और गिल क्राइस्ट ने हिंदी शब्द का प्रयोग हिंदी हिंदुस्तानी भाषा के अर्थ में किया। 1812 में जब जिस तरह से आजकल कॉलेजेस में एनुअल डे मनाया जाता है, वार्षिक रिपोर्ट प्राचार्य के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, उसी तरह से 1812 में कैप्टन टेलर ने, जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी विभाग में एक प्रोफेसर थे, उन्होंने वार्षिक विवरण प्रस्तुत करते समय हिंदी शब्द का आधुनिक अर्थ में प्रयोग किया, और संभवतः ये इस रूप में हिंदी का पहली बार प्रयोग किया गया था। अब उन्होंने किस तरीके से प्रयोग किया इसे आगे के उदाहरण के द्वारा देखते हैं। देखिए, कैप्टन टेलर लिखते हैं, मैं केवल हिंदुस्तानी या रेखता का जिक्र कर रहा हूँ। दो भाषाएं थी, जो उर्दू प्रधान भाषा थी वो, उसके लिए रेखता शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी भाषा में, अपने वक्तव्य में जिस भाषा की ओर संकेत कर रहा हूँ वो भाषा है हिंदुस्तानी या रेखता, जो फारसी लिपि में लिखी जाती है। मैं हिंदी का जिक्र नहीं कर रहा, ध्यान देंगे, मैं हिंदी का जिक्र नहीं कर रहा जिसकी अपनी लिपि है। लिपि कौन सी है हिंदी की? देवनागरी लिपि, जिसमें अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग नहीं होता, और मुसलमानी आक्रमण से पहले जो भारतवर्ष के समस्त उत्तर प्रांत की भाषा थी, यानी भारत की भाषा के रूप में हिंदी शब्द का प्रयोग किया कैप्टन टेलर ने।
इस प्रकार हिंदी शब्द जन्मा और भारत देश की भाषा का बोधक बन गया। चलिए, ये हुई हिंदी शब्द की उत्पत्ति और उसके विकास की बात। अब देखते हैं कि आज वर्तमान समय में हिंदी शब्द का प्रयोग किस भाषा के लिए किया जाता है। हिंदी शब्द का प्रयोग उस भाषा के लिए किया जाता है जिसकी लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है, जिसमें तत्सम शब्द भी हैं, तद्भव शब्द भी हैं। देखिए, आपको ध्यान होगा, कैप्टन टेलर ने अपने वक्तव्य में कहा था कि मैं उस हिंदी की बात नहीं कर रहा जो भारतवर्ष के उत्तर प्रांत की भाषा है, जिसमें अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग नहीं होता। लेकिन आज हम जिस हिंदी, जिस रूप में हिंदी का प्रयोग करते हैं, हिंदी शब्द का प्रयोग करते हैं, उस भाषा में तत्सम, तद्भव, देशज, उर्दू, पुर्तगाली, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं के शब्द शामिल हैं, लेकिन संस्कृत निष्ठ यानी तत्सम शब्दों की वहां पर प्रधानता है। आगे चलते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, जिनकी चर्चा मैं शुरू से लेकर अब तक करती आ रही हूं बार बार, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने हिंदी भाषा नामक अपनी पुस्तक में हिंदी शब्द का प्रयोग तीन अर्थों में किया है। कौन से है वो तीन अर्थ, देखिए। पहला, व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ में उन्होंने कहा है कि हिंदी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषाओं का द्योतक है हिंदी शब्द, और ये उसके व्यापक अर्थ का संकेतक है, यही हिंदी का व्यापक अर्थ है। दूसरा है संकुचित अर्थ, यानी हम केवल हिंदी शब्द को खड़ी बोली हिंदी का बोधक माने, जो आज भारत देश की राजभाषा है, तो ये सीमित अर्थ हो गया। भाषा वैज्ञानिक अर्थ क्या है, भाषा वैज्ञानिक अर्थ है कि हिंदी उन सभी भाषाओं की बोधक है जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। इन पूर्वी हिंदी की बोलियों और पश्चिमी हिंदी की बोलियों को हम आगे बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। अभी सिर्फ आपको इतना जान लेना काफी है कि पश्चिमी हिंदी में बांगड़ू यानी हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी आदि भाषाएं शामिल की जाती हैं। इनका क्षेत्र है पश्चिम में अंबाला से पूर्व में कानपुर की पूर्वी सीमा तक, उत्तर में जिला देहरादून से लेकर दक्षिण में मराठी भाषा की सीमा तक यानी महाराष्ट्र की सीमा तक। पूर्वी हिंदी में जो भाषाएं शामिल की जाती हैं वो कौन सी हैं, वो है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इनका क्षेत्र कौन सा है, इनका क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में कानपुर से मिर्जापुर और लखीमपुर और उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा से दुर्ग बस्तर यानी छत्तीसगढ़ की सीमा तक विस्तृत क्षेत्र को पूर्वी हिंदी का क्षेत्र माना जाता है। और भाषाएं कौन सी हुई पूर्वी हिंदी की, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो इस तरीके से हिंदी शब्द ने एक लंबी विकास यात्रा तय करते हुए अपने स्वरूप को बहुत अधिक विस्तृत कर लिया है, और उसके ये तीन स्वरूप जिनकी चर्चा भोलानाथ तिवारी ने की है, ये विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं। आगे चलते हैं। यहां तक हमारी हिंदी की बात हो गई, भाषा की बात हो गई, लेकिन एक बार ये जान लेना भी जरूरी है बच्चों कि आपको इस ये सारा जो विषय वस्तु जो प्रस्तुत की गई, जो समझाने की कोशिश की गई, वो कहाँ तक आप समझ पाए। तो इन प्रश्नों के द्वारा, छोटे से प्रश्न है, इनके द्वारा हम आपकी जांच करेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है। हम पढ़ चुके हैं, भास है, भाष है, भाष है या भाक है। तो हमने पढ़ा था कि संस्कृत की भाष धातु से भाषा शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर दृष्टि डालते हैं। भाषा में निम्नलिखित में से क्या शामिल है, करतल ध्वनि, रेलवे गार्ड की झंडी, चिड़ियों की आवाज, कही और सुनी जाने वाली आवाज। तो हम कह चुके हैं कि ये तीनों चीजें भाषा में भाषा विज्ञान की दृष्टि से शामिल नहीं की जाती हैं। तो उत्तर क्या हुआ, डी ऑप्शन सही है कि जो बात कही जाए और सुनी जाए वही भाषा है। आगे चलते हैं। खांसना, गहरी सांस लेना और घंटी बजाना भाषा क्यों नहीं है, उच्चारण अवयवों का प्रयोग नहीं है, सार्थक ध्वनि नहीं है, विचार विनिमय नहीं है और उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि भाषा का उच्चारण करने के लिए जिन उच्चारण अवयवों की जिस रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए, उस तरह का प्रयोग खांसना और गहरी सांस लेना और घंटी बजाना में नहीं होता। दूसरा, इन खांसना, गहरी सांस लेना और घंटी बजाना, ये तीनों सार्थक ध्वनियां नहीं हैं और इनके माध्यम से विचार विनिमय भी नहीं होता, क्योंकि मुखेंद्रियों यानी उच्चारण अवयवों और कर्णेंद्रियों का प्रयोग यहाँ पर नहीं है। इसलिए भाषा विज्ञान में ये तीनों ही संकेत क्या नहीं कहलाते, भाषा नहीं कहलाते। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं।
विचार को आत्मा की अध्यात्मक बातचीत किसने कहा है? तो आपको ध्यान होगा कि प्लेटो ने अपने ग्रंथ सोफिस्ट में विचार को आत्मा की अध्यात्मक बातचीत कह करके पुकारा है। तो यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। आगे चले, पांचवा, भाषा यादृच्छिक होती है, पंक्ति में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? इस शब्द पर हमने बहुत विस्तार से चर्चा की थी, उम्मीद करती हूं कि आपको याद होगा। ए ऑप्शन जाना हुआ, बी ऑप्शन माना हुआ, सी बताया हुआ, या डी कहा हुआ। तो आपको ध्यान होगा कि भोलानाथ तिवारी ने इसका सरल अर्थ जो किया है वो है माना हुआ। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। आगे चले, अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, संस्कृत में जल, हिंदी में पानी, अंग्रेजी में वॉटर आदि शब्द भिन्न भिन्न है, लेकिन फिर भी वे एक ही वस्तु का बोध कराते हैं, इससे भाषा की कौन सी विशेषता सामने आती है? इस पर भी हमने चर्चा की थी, क्या ये विशेषताएं हैं कि भाषा सामाजिक वस्तु है, या भाषा चिर परिवर्तनशील है, या भाषा यादृच्छिक है, या फिर भाषा अंतरणशील है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे पता चलता है कि भाषा यादृच्छिक होती है, जैसी मानी जाए वैसी ही वो इस्तेमाल की जाती है, मानी हुई है, जिस मानने का आधार कोई तर्क या कोई कारण नहीं होता। आगे चलते हैं, सातवां, भाषा अंतरणशील है, इसका अर्थ है भाषा एक व्यक्ति की बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाती है, भाषा भावनाओं को अभिव्यक्त करती है, भाषा भूत वर्तमान और भविष्य को व्यक्त करती है, या फिर भाषा कठिन से सरल की ओर जाती है। तो स्पष्ट है कि अंतरणशीलता का अर्थ है सी ऑप्शन, यानी भाषा भूत वर्तमान और भविष्य को व्यक्त करने की क्षमता रखती है, यानी सी उत्तर बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी शब्द का देशी भाषा के रूप में पहला प्रयोग किसने किया? ध्यान देना है आपको, कौन सा प्रयोग पूछा गया है, देशी भाषा के रूप में प्रयोग पूछा गया है, अमीर खुसरो, अबुल फजल बदायूनी, या मुल्ला वजी? तो अमीर खुसरो ने सबसे पहले हिंदी शब्द का देशी भाषा के रूप में प्रयोग किया। तो ये हुई हमारी आज की हिंदी भाषा, भाषा के स्वरूप, भाषा के अर्थ पर बातचीत। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये चर्चा, ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी और आप इन सब से बहुत लाभान्वित होंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि और भी जो उपयोगी सारे लेक्चर्स हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिल सके। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। धन्यवाद।